चल ऐसे ही, मैं अगर मैं क्या हुआ, ऐसे अगर मैं कॉस सी लिख रहा होता तो वो क्या बनता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ऐसा बनता। अच्छा, क्योंकि ए ऑब्ट्यूस है इसलिए कॉस एक ऐसी क्वांटिटी होती नेगेट्यू, बी एक्यूट है तो कॉस बी कैसी क्वांटिटी होती पॉजिटिव, कॉस सी कैसी क्वांटिटी होती पॉजिटिव क्योंकि सी भी एक्यूट है। ठीक, अब देखो अब एक टर्म आता है पाइथागोरियन इनइक्वालिटी, पाइथागोरियन इनइक्वालिटी। तो जैसे मान लो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में, जैसे कि अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस होता तो अगर ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव होती, इसका मतलब देखो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होना ही है, मतलब न्यूमरेटर को नेगेटिव होना पड़ता, और न्यूमरेटर को नेगेटिव होने के लिए ये वाली चीज पूरी इससे छोटी होती। सो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल में क्या होता, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल जिसमें ऑब्ट्यूस एंगल ए है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होता। अच्छा, अगर एंगल बी है तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको भी पॉजिटिव होना पड़ता, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ग्रेटर देन बी स्क्वायर होना पड़ता, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ग्रेटर देन सी स्क्वायर होना पड़ता। ठीक है, ये किसके लिए, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल के लिए। अच्छा, अगर हमारा ट्राइंगल एक्यूट ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें क्या होता, तीनों के तीनों पॉजिटिव होते, ये भी पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता। तो अगर तीनों के तीनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये इससे बड़ा होता, ये इससे बड़ा होता और ये इससे बड़ा होता। सो फॉर एक्यूट ट्राइंगल आई कैन राइट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आ गई, पाइथागोरियन इनइक्वालिटी। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरियन इनइक्वालिटी फॉर, दिस इज फॉर ऑब्ट्यूस ट्राइंगल एंड दिस इज फॉर एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, और इसका डेरिवेशन कहां से आया, इसका डेरिवेशन हमारा आ गया कोसाइन रूल से। Is it clear to each and every one of you? Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? अच्छा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मेरे को पाइथागोरियन इनइक्वालिटी लिखनी पड़ती, जैसे मैं कहां लिखूं, इधर लिख सर, लेता हूं, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल का एक और बार एक्सप्लेन करो सर। बताता हूं, राइट ट्राइंगल एट ए, ऑब्ट्यूस के लिए देखो, ऑब्ट्यूस के लिए क्या होता कि जैसे मान लो ए वाला जो एंगल होता वो ऑब्ट्यूस होता, 90 से बड़ा होता, तो कॉस ए नेगेटिव होता, तो ये नेगेटिव होता, इसका मतलब न्यूमरेटर नेगेटिव होता। न्यूमरेटर नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि ये वाली क्वांटिटी इससे छोटी होती, इसलिए मैंने लिखा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर। ओके फिर बाकी सब तो पॉजिटिव होते, इसलिए पहला वाला बड़ा होता पीछे वाले से। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे मान लो ए पे राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता, और बाकी जो दो एंगल्स होते वो कैसे होते, एक्यूट एंगल होते। तो अगर एंगल 90 डिग्री होता तो कॉस ए जीरो होता, तो उस समय सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर हो जाता, और बाकी दो एंगल्स क्या होते हैं, इनइक्वालिटी के टर्म्स में आते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर।
राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज आवर पाइथागोरियन इनइक्वालिटी फॉर ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, फॉर एक्यूट ट्राइंगल, फॉर राइट ट्राइंगल. तो कोई चीज रटनी है क्या? नहीं, रटनी तो कुछ भी नहीं है. बस ये सब कहां से डिराइव हो रहा है? कोसाइन रूल से डिराइव हो रहा है. ये लोग डिराइव हो रहे हैं कोसाइन रूल से. ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो, देन आगे बढ़ते हैं. हो गया सर? हो गया, सबका हो गया. मैं रब करने जा रहा हूं. ठीक है, किसी को सर लिखना नहीं. ओके गुड. सो ओके, अब एक होता है सीवास थ्योरम. ठीक है, ये भी थ्योरम जो है वो ट्राइंगल की कॉन्करेंसी से रिलेटेड है. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं, कॉन्करेंसी. तो अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे सब में करते आ रहे थे कि थ्योरम क्या है वो बताऊंगा और उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा. अभी हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ बहुत टाइम मिलेगा. तो जैसे मान लो कोई पॉइंट एक्स है, कोई भी पॉइंट एक्स, हाँ कोई पॉइंट एक्स है, उसको ना तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो. कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी का ये मतलब होता है, जैसे मान लो तीन लाइंस है, लाइन वन, लाइन टू एंड लाइन थ्री, तो तीनों लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास करें तो हम लोग कहते हैं कि द थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट. जैसे देखो तीनों लाइंस जो है सेम पॉइंट से पास कर रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द लाइंस आर कॉन्करेंट. ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता था ना, जैसे मान लो ऐसा हो जाए कि तीनों लाइंस सेम पॉइंट से पास न करें. जैसे इसमें से ऐसा हो रहा है क्या कि कोई एक ऐसा पॉइंट हो जिससे तीनों लाइंस पास करे? नहीं है. तो मैं कहूंगा कि दीज थ्री लाइंस आर नॉन कॉन्करेंट या नॉट कॉन्करेंट. तो कोई दो लाइंस भी कॉन्करेंट हो सकती है क्या? कोई दो लाइंस को कॉन्करेंट बोल सकते हैं? नहीं, देखो दो लाइंस को कॉन्करेंट बोलने का कुछ यूज नहीं है ज्यादा. मतलब जब भी कॉन्करेंसी की बात आती है ना, तो वो थ्री या मोर देन थ्री लाइंस के बारे में बात आती है. क्योंकि अगर दो लाइंस है तो दो लाइंस के लिए तो दो पॉसिबिलिटी है, दो ही पॉसिबिलिटी है. इधर दे कैन बिकम पैरेलल और इधर दे इंटरसेक्ट ईच अदर. यही दो प्रॉपर्टी है, सॉरी यही दो पॉसिबिलिटीज है दो लाइंस के रेस्पेक्ट में. तो जनरली दो लाइंस के रेस्पेक्ट में हम लोग कॉन्करेंसी की बात नहीं करते, हम लोग तीन लाइंस के रेस्पेक्ट में कॉन्करेंसी की बात करते हैं, तीन या तीन से ज्यादा लाइंस के बीच में. ठीक है? ठीक है सर. ओके, मैं मिटा रहा हूं फटाक से. सो तो जैसे जैसे मान लो कोई भी एट रैंडम पॉइंट ले लिया ट्राइंगल में, उसको हम लोग ने क्या किया, उसको जैसे मान लो वर्टेक्स ए से ज्वाइन किया, फिर उसको पीछे एक्सटेंड किया तो वो साइड बीसी को इंटरसेक्ट करता, तो वो मान लो उस पॉइंट को से डी बोल दिया. ऐसे ही वर्टेक्स एक्स को लिया, उसको बी से ज्वाइन किया और पीछे एक्सटेंड किया तो वो ई पे इंटरसेक्ट करता. ऐसे ही वर्टेक्स एक्स है, सॉरी पॉइंट एक्स है, उसको सी वर्टेक्स से ज्वाइन किया, उसको पीछे एक्सटेंड किया तो वो एफ से, एफ पे इंटरसेक्ट किया. तो एक्स कौन सा पॉइंट है? कोई स्पेशल पॉइंट है क्या? नहीं, एक्स कोई एक रैंडम पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर, जहां से उस पॉइंट से अगर आप तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन करो और उनको एक्सटेंड करो तो डी ई और एफ पॉइंट आएंगे. सॉरी. तो हमारा सीवास थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सीवास थ्योरम सेज
देखो बी डी अपॉन डी सी ऑर्डर में चल लेंगे, बी डी अपॉन डी सी इंटू सीई अपॉन ई ए इंटू ए एफ अपॉन एफ बी, इसकी वैल्यू क्या होती है वन के बराबर होती है। बी डी अपॉन डी सी इंटू, देखो बी डी अपॉन डी सी लिखेंगे तो फिर यहां पे सीई ही लिखेंगे, सीई एकदम ऑर्डर में चल रहा है जैसे ऐसे जा रहे हैं हम लोग, सीई अपॉन ए इंटू ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू व्हाट वन। और इसी थ्योरम को अपने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, सिवास थ्योरम। दिस थ्योरम इज कॉल्ड सिवास थ्योरम। ठीक है, समझ में आई बात सर? अगर वो सेंटर वाला पॉइंट मीडियन हुआ, वो पॉइंट एक्स मीडियन हुआ, तो हम इसको एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। हाँ, मीडियन नहीं, जो जहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर से इंटरसेक्ट करते हैं उसको ना इन सेंटर बोलते हैं। जैसे ये जो एक्स, हाँ, जैसे मान लो ये जो एक्स वाला पॉइंट है वो वाला पॉइंट है जहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं। ये जो x वाला पॉइंट है ये वो वाला पॉइंट है जहां पे एंगुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं। एंगुलर बाइसेक्टर तो पढ़ा अभी, एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम थोड़ी देर पहले देखा था। तो इस लेंथ को a बोलते हैं, इस लेंथ को b बोलते हैं, इस लेंथ को c बोलते हैं, d e f। अब देखो बी डी अपॉन डी सी इंटू सी ई अपॉन ए ई इंटू ए एफ अपॉन एफ बी। देखो अगर ये लाइन एंगुलर बाइसेक्टर है तो बी डी अपॉन डी सी क्या होता, सी बाई बी होता अकॉर्डिंग टू द एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। सिमिलरली अगर बी ई एंगुलर बाइसेक्टर है तो ये जो रेशियो होता सी ई अपॉन ई ए दैट वुड हैव बीन ए बाय सी। और अगर ये होता लाइन तो दैट वुड हैव बीन, इसका क्या लेंथ है बी और इसका क्या लेंथ है ए। समझ में आ रहा है सबको? तो देखो ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, वन आ गया। ठीक है, मतलब ये तो मैंने एंगुलर बाइसेक्टर के लिए तुमको विजुअलाइज कराया कि अच्छा ऐसा हो रहा है। दिस सिवास थ्योरम पावरफुल क्यों है, क्योंकि ये हर एक एक्स के लिए होता है, फॉर एवरी एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं अपने। सिवास थ्योरम समझ में आया क्या है बच्चों? बोलो फटाफट। यस सर, आ गया। यस सर। चलो, सो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन सिवास थ्योरम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने एंगुलर बाइसेक्टर के लिए स्पेशल केस लिया है, ए बी सी के। कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, स्मॉल सी। अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर होता ए डी तो बी डी अपॉन डी सी क्या होता, दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो, सी अपॉन बी। ऐसे सी ई अपॉन ए ई क्या होता, अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर होता तो दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो, ए बाय सी, फिर देन अगेन बी बाय ए। तो वो कट कुट के क्या हो जाता, वन हो जाता। समझ में आया? हाँ, चलो ठीक है। सो एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी सी। जैसे एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी जो है 13 है, ए सी जो है 14 है, बी सी 15। अच्छा ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू 2/5 है और सी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू 5/8 है।
देन फाइंड बी डी एंड डी सी. अब पहले ऐसा पूछे ये D है, ये E है और ये पॉइंट F है. तो हम लोग को BD और DC की लेंथ फाइंड करनी. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है सिवास थ्योरम का. क्या हुआ, क्या पूछ रहा है? सर आवाज नहीं आ रही. सर आपका आवाज नहीं आ रही. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आवाज नहीं आ रही. सर सर आपका आवाज नहीं आ रहा. सर आपका आवाज नहीं आ रहा. सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर हाँ मालूम है. हाँ अब आ रही है. यस सर. सर माइक बंद हो गया था पता नहीं कैसे. तो चलो मेरे ख्याल से इतना तो तुमको क्लियर है कि मेरे को फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है. नहीं सर. सिवास थ्योरम लगाया ठीक है. अब BD अपॉन DC 4:1 है. मतलब BD एक तरीके से 4x है और DC क्या है हमारा x है. अब BC जो है वो 15 है. सो 4x plus x is equal to 15. सो x will be what 3. सो BD will be 4 × 3 12 और DC क्या हो जाएगा हमारा 3. समझ में आ रही बात सबको? यस सर. यस सर. गुड. चलो किसी को डाउट नहीं है ना, मैं मिटा रहा हूं इसको. थैंक्स सर. अब देखो ये जो थ्योरम्स थे दे वर रिलेटेड टू ट्राइंगल. अब कुछ थ्योरम सर्कल से रिलेटेड पढ़ने. सर्कल रिलेटेड थ्योरम्स. सर्कल रिलेटेड थ्योरम ठीक है. तो इसमें कुछ तो हमारे टेंथ वाले आएंगे जो टेंथ में पढ़ते हैं सर्कल्स के थ्योरम. तो एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज करा देता हूं उसको. पहला थ्योरम है सर्कल का टेंथ वाला कि अगर कोई कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे थीटा एंगल बना रहा है तो वो कॉर्ड
सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? ठीक है, सेंटर पे 2 थीटा एंगल बनाएगा। ये बात क्लियर है, ये पढ़ा हुआ है। दूसरा थ्योरम है कि अगर कोई कॉर्ड है वो सर्कमफेरेंस के हर एक पॉइंट पे सेम एंगल ही बनाता है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। इसको हम लोग कहते हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसको क्या कहते हैं? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसको क्या कहते हैं? एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस। ठीक है, इसको इसको हाँ वॉइस बंद करो ना। हाँ, जेड खारगर, जेड सीवुड, दो लोग के वॉइस ऑन है, बंद करो। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से, एक मिनट में इन दोनों को। डन सर, लिख लिया। थर्ड थ्योरम जो है वो भी तुमको पता है। थर्ड थ्योरम ये है कि जैसे मान लो कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है? जिसके चारों वर्टेक्स से एक सर्कल पास हो रहा हो, तो उसमें जो ऑपोजिट एंगल्स के सम होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। ए प्लस सी 180 डिग्री, बी प्लस डी 180 डिग्री। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला है। फिर फोर्थ है, फोर्थ कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो एक सर्कल है और दो कॉर्ड्स हैं। जैसे एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, ए बी और सी डी, और ये दोनों कॉर्ड्स ना इक्वल लेंथ के हैं। ये दोनों कॉर्ड्स क्या है? इक्वल लेंथ के। तो ये दोनों कॉर्ड्स सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बना रहे होंगे वो लोग भी इक्वल होंगे, दैट विल आल्सो बी इक्वल। तो इसको ऐसे बोल रहे थे, इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ये भी पता है, फोर्थ वाला पता है ना, इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स equal angle at the circumference. हाँ, and at the center also obviously. अगर circumference पे equal बनाए तो center पे 2 theta 2 theta बनाएंगे। अच्छा, अब fifth है कि जैसे मान लो circle है और ये chord है, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को मैं अगर ज्वाइन करूं तो ये वाली लाइन जो है 90 डिग्री होती है। ये वाली लाइन जो है वो 90 डिग्री होती है। ओके, ये भी पता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द center to the midpoint of the cord, midpoint of the cord subtends 90 degree. Subtends नहीं, means forms 90 degree with each other. हाँ, कोई raise hand कर रहा है, कुछ doubt है? नहीं? अच्छा, एक ये property होती है कि जो हमारा diameter होता है वो सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री बनाता है। ये वाली प्रॉपर्टी
क्या कह रहे हो? हाँ देखो यार, सब थ्योरम्स के प्रूफ हैं, हम लोग कल थ्योरम्स पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, सबको एक दूसरे से रिलेट करके प्रूफ कर सकते हैं। हाँ हाथ उठाए बोलो, सिवोट सिक्स वाला यही है ना कि जो डायामीटर है वो सर्कमफेरेंस को 90 डिग्री बनाता है, डायामीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। हाँ वो भी बोलते हैं, एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री और डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सर्कल, ठीक है। फिर सातवां जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे मान लो किसी पॉइंट पी पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान लो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट वाली लाइन है और ये सर्कल है, तो सर्कल और टेंजेंट वाले पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल 90 डिग्री आता है। सीपी इज परपेंडिकुलर टू टी, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हाँ बोलो क्या डाउट है? खाने खाने के किसी बच्चे ने रेज हैंड किया? रेज हैंड तभी करो जब डाउट हो। यस सी इज द सेंटर, सेंटर को हमेशा सी से यूज किया जाता है, सेंटर को हमेशा सी से यूज किया जाता है। ओ को जनरली हम लोग ओरिजिन से यूज करते हैं, मतलब इलेवेंथ में ओ को जनरली ओरिजिन से यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सी को सेंटर से, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो ये वाला थ्योरम पता है कि नहीं? जैसे मान लो कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम लोग ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और उस पॉइंट से एक कॉर्ड ड्रॉ किया, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में कोई एंगल आ रहा होगा, थीटा एंगल, तो ये वाला कॉर्ड जो सर्कमफेरेंस पे बनाएगा वो भी थीटा ही बनाएगा। ये वाला थ्योरम पता? यस सर, आरडी में था। हाँ, इसको कहते हैं एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। नहीं सॉरी, एंगल अल्टरनेट सेगमेंट से दूसरा होगा, इसको ये कहते हैं, यही है अल्टरनेट सेगमेंट ही कहते हैं, याद नहीं आ रहा। यस सर, वही है सर, वही है ना, अल्टरनेट अल्टरनेट सेगमेंट वाला थ्योरम, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है? कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता कि कौन कौन एंगल इक्वल है, तो तुमको ऐसे याद सोचना है कि जैसे एक सर्कल है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया और सेम पॉइंट से एक कॉर्ड ड्रॉ किया, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में कोई एंगल होगा, तो सेम एंगल वो जो कॉर्ड है वो सर्कमफेरेंस पे बनाएगा, सेम एंगल वो जो कॉर्ड है वो सर्कमफेरेंस पे बनाएगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? यस सर। मैं इसको रब कर दूं? यस सर। इसको रब करने जा रहे हैं अपने। अच्छा, अब एक थ्योरम, हाँ थ्योरम को बोलते क्या है? क्या इसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में बोलते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम,
एक आता है टॉलमीज थ्योरम, ठीक है। अब ये थ्योरम नहीं पता हम लोग को, तो ये थ्योरम क्या कहता है, जैसे मान लो एक सर्कल है और उसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जैसे एक सर्कल है उसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो टॉलमीज थ्योरम कब एप्लीकेबल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये एसी और बीडी क्या हो गए, हमारे डायगोनल हो गए। तो अकॉर्डिंग टू टॉलमीज थ्योरम एसी इनटू बीडी प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स दिस इज इक्वल टू, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स लिखिए, राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड का प्रोडक्ट ए बी इंटू सी डी प्लस इनका प्रोडक्ट अपोजिट साइड का ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी। सो इसको कैसे याद करेंगे, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स और इधर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड प्लस प्रोडक्ट ऑफ अनदर ऑपोजिट साइड, ठीक है। साउंड बंद करो, इनटू प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड plus product of another opposite sides. This is called Ptolemy's theorem. Useful. ठीक है, proof अभी नहीं करा रहे इस theorem का। अब देखो क्वेश्चंस करना है अपने को, एप्लीकेशन पार्ट। सो क्वेश्चंस ऑन सर्कल्स कर लेते हैं फटाफट। अब चलो पहला क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, इसको ज्वाइन किया तो ये बी और डी बन गया। फिर ये ए बन गया और ये ई बन गया। इतना एंगल 18 डिग्री है, इतना एंगल 31 डिग्री है। सर सी सेंटर नहीं है ना, सेंटर है, सेंटर है, सी को हमेशा सेंटर से डिनोट करेंगे। ओके, एंगल ए ई डी दिस वी हैव टू फाइंड। सर एंगल ई ए डी क्या है, 31 डिग्री, 31 बी ए डी, तो सर बी ए डी 90 होगा ना, बी ए डी 90 होगा। हाँ सही बात है सर, 108 डिग्री, सही है। तो 108
108 डिग्री। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि देखो ये 18 है, ये 30, ये 18 है तो ये 90 हो जाता। एक्चुअली इस 31 का यूज भी नहीं हम लोग को इस क्वेश्चन में, ये 18 है ये 90 हो जाता। तो ये जो है क्योंकि ट्राइंगल है तो ये 72 हो जाता। अच्छा अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ए बी डी ई इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए और हम लोग को यही फाइंड करना है। तो इसको क्या होना पड़ेगा, 108 डिग्री। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। एक सर्कल है और बाहर एक पॉइंट है बी, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये ए पे टच किया और यहां डी पे टच किया। ये 42 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए बी डी ये वाला एक्स, एक्स वी हैव टू फाइंड। सर 69 डिग्री। हाँ सर 69 डिग्री सही है। सर 69 डिग्री। यस 69। So, चलो करते हैं जल्दी। तो देखो एक प्रॉपर्टी तुम लोग ने पढ़ी होगी कि बाहर से जब दो टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्कल को तो वो लोग इक्वल लेंथ के होते हैं, दो टेंजेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब बी ए और बी डी इक्वल लेंथ के हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल बन गया बी ए डी। अब तुम ऐसे सोचो कि ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया और ए पे एक कॉर्ड ड्रॉ किया, जो कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहा है सेम एंगल टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में होना चाहिए, ये एक्स, सिमिलरली ये भी एक्स होता, आइसोसेलिस ट्रायंगल की वजह से भी एक्स हो जाता और वो एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स की वजह से भी एक्स हो जाता। तुम्हारा क्या बन जाता, एक्स प्लस 42 इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। तो इसे एक्स की, सॉरी इस एक्स की हमारी वैल्यू क्या आ जाती, 69 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी व्हाट, 69 डिग्री। ठीक है, सबको समझ में आ गया, बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ सर। किसी को कोई डाउट? यस सर। सबको अनम्यूट करके पूछ लो भाई, किसी को डाउट एक बार फिर से बताऊं? हाँ सर। देखो तुम कुछ ऐसे सोचो, जैसे पॉइंट ए है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और उस पर एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ये भूल जाओ, पॉइंट ए है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया उस पर एक कॉर्ड ड्रॉ किया, तो जो एंगल टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में होगा सेम एंगल वो कॉर्ड जो है सर्कमफेरेंस पे बना रहा होगा। अब जैसे मान लो इस एंगल को मैंने एक्स डिग्री बोल दिया, इसका मतलब ये एंगल भी एक्स डिग्री होगा। अच्छा ये
हम लोग को ये पता है कि बाहर के किसी पॉइंट से आयोग पता है तुम लोग को स्कूल में पढ़ते हो टेंथ में कि टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं. इसका मतलब बी ए और बी डी इक्वल लेंथ के हैं तो ट्राइंगल बी ए डी वो एक आइसोसेलिस ट्राइंगल बन गया. बी ए डी का ट्राइंगल बन गया, एक हमारा आइसोसेलिस ट्राइंगल बन गया. तो ये एक्स है तो ये भी एक्स, तो एक्स प्लस 42 दैट शुड बी 180 डिग्री. इससे क्या जाएगा हमारी x की वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, ठीक है सर. गुड, आगे बढ़ते हैं आप जल्दी से. हाँ और क्वेश्चंस कर रहे हैं, और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं भाई. मान लो एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है. इसमें ए बी की लेंथ 7 है, ए सी की लेंथ 8 है और बी सी की लेंथ 9 है. अब हम लोगों ने क्या किया कि एंगल एक का एंगुलर बाइसेक्टर लिया और वो जो है जाके डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है. एंगल ए का एंगुलर बाइसेक्टर लिया, वो जाके सर्कमफेरेंस को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो हम लोग को फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी अपॉन सी डी. दिस इज व्हाट एंगुलर बाइसेक्टर. So, पूरा बीसी 9 सेंटीमीटर है ना. हाँ पूरा बीसी 9 सेंटीमीटर है. ट्रायंगल्स की साइड दी गई है 7, 8 और 9. सही, गुड. यस यस तैयार. यस गुड, बहुत अच्छा. बाकी लोग ट्राई करें. गुड, नहीं कोई भी क्वेश्चन हम लोग प्रूव करने वाले नहीं कर रहे हैं, सब वैल्यूज फाइंड करने वाले कर रहे हैं. चलो बाकी लोग ट्राई करो.
चार पांच बच्चों का सही आंसर आया। आउट ऑफ कितने बच्चे? 69 और कोई जिसका हो रहा है सॉल्व? चलो करते हैं। तो क्योंकि ये एंगुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे ए बाई टू एंड ए बाई टू। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखो चार पॉइंट्स आ गया सर्कल पे ए सी डी बी, हम लोग ने क्या किया ज्वाइन कर दिया ताकि क्या बन जाए हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अच्छा अगर तुम ऑब्जर्व करो तो बी डी सर्कमफेरेंस पे ए बाई टू बना रहा है और सी डी भी सर्कमफेरेंस पे ए बाई टू बना रहा है। तो अगर इक्वल एंगल बना रहा है इसका मतलब कि कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, बी डी और डी सी की लेंथ दे शुड बी व्हाट इक्वल। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने टॉलमीज थ्योरम लगा दिया। टॉलमीज थ्योरम, तो टॉलमीज थ्योरम क्या कहता है, देखो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स पहले लिख लो AD into BC, so AD into 9 is equal to opposite side का BD into 8 plus opposite side का CD into 7। अच्छा fortunately क्या है कि BD और CD equal है, ये और ये equal है, मतलब ये एक तरीके से 15 CD बन गया, 9 AD is equal to 15 CD, so हमारा AD upon CD क्या आ गया 15 by 9 which is 5 by 3। आया समझ में? So इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या थी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये थी कि इस एंगुलर बाइसेक्टर का हम लोगों को क्या यूज करना है, वो ये और ये एंगल इक्वल हो गया, मतलब ये कॉर्ड और ये कॉर्ड का लेंथ इक्वल हो गया। तो काफी बच्चे यहां तक तो पहुंच गए होंगे, फिर उसके बाद बी डी और सी डी इक्वल है वहां पे शायद कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा दूं, ये क्लियर है? हाँ मिटा रहा हूं। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है कि लेट ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ए बी सी कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, पी बी अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क ए बी, PB a point on minor arc AB, then prove that, then prove that PC is equal to PA plus PB, prove that
PC is equal to PA plus PB. हो गया सर? हो गया? हाँ सर. हो गया सर. इसकी आवाज आ रही है. चलो सो कितने लोग का हो गया? ओके सो जैसे एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल. और पी एक पॉइंट है, ठीक है? तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीसी इंटू ए बी इज इक्वल टू पी ए इंटू बी सी. प्लस पी बी इंटू ए सी. ठीक है. अच्छा, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ए बी बी सी ए सी तीनों इक्वल होंगे, तो ये कैंसिल हो गया. तो क्या हो गया? PC is equal to PA plus PB. PC is equal to PA plus PB. ठीक है. ये क्लियर है? ये समझ में आ गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं. इसमें किसी को डाउट? सर सर इसके पहले वाले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, तो मेरा वीडियो लैग हो गया था सर. एक बार उसका आंसर डिस्कस करो ना, कैसा है इसके पहले वाले. रुको, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारे आंसर वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ तुम्हारे. ओके सर. अब देखो, क्वेश्चन एक ये है, ये हेक्सागन है 2, 7 और 11 साइड का, ऐसे टाइप का थोड़ा गंदा डायग्राम बना है, चला लेना. तो इसका जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है वो सेंटर से पास कर रही है, तो हम लोग को इस सर्कल का डायामीटर फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड डायामीटर ऑफ दिस सर्कल. ठीक है. तो डायामीटर फाइंड करने में एक क्यूबिक आएगा, तो बस वो क्यूबिक तुम फाइंड कर लो, फिर वो मैं सिखाऊंगा कि उस क्यूबिक को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं. हाँ, और जो इसका और कुछ था एक, वो वाला क्वेश्चन था,
पूछिए कि बी ए सी ये जो है एंगुलर बाइसेक्टर है एंगल ए का, फिर सबका लेंथ कितना कितना है, ए बी का लेंथ 7 है, बी सी का लेंथ 9 है, ए का लेंथ 8 है, तो हम लोग और इसको ये डी पे इंटरसेक्ट किया तो अपने को ए डी अपॉन सी डी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ये वो पिछला वाला क्वेश्चन था, पिछले से पिछले वाला ए डी अपॉन सी डी फाइंड करना। अब देखो क्योंकि ये एक एंगुलर बाइसेक्टर था इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए, ए बाय टू एंड ए बाय टू। अब अगर तुम बी डी और डी सी को ज्वाइन करो तो तुम ऑब्जर्व करो कि बी डी ही जो है वो ए बाय टू बना रहा है और सी डी ही जो है वो ए बाय टू बना रहा है। अब अगर कोई दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल बना रहे होते हैं तो वो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है? यस सर। फिर हम लोग ने क्या किया, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी डी सी पे टॉलमी थ्योरम लगा दिया। तो टॉलमी थ्योरम क्या कहता है, ए बी पहला डायगनल इंटू दूसरा डायगनल बी सी इज इक्वल टू बी डी इंटू 8 प्लस सी डी इंटू 7। अच्छा बी डी और सी डी तो इक्वल है अभी देखा, यस सर। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग इसको जो है 15 टाइम्स सी डी लिख सकते हैं, तो 9 ए डी इज इक्वल टू 15 सी डी और हम लोग को ए डी अपॉन सी डी निकालना। ओके सर, थैंक यू सर। चलो सर 2 मिनट रुको ना, 2 मिनट। हाँ करो करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से टाइम लो। फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, क्वेश्चन देख के गिव अप नहीं करना। और ये ओवरनाइट नहीं आती फाइटिंग स्पिरिट।
देखना पड़ेगा, हो सकता है करेक्ट हो। बोलो। वो इक्वेशन मैंने आपको भेजा वो मुझे रेडियस के फॉर्म में 7 मिला। क्या रेडियस क्या रहा है? 7 रेडियस के फॉर्म में क्यूबिक आ रहा है। चलो देखते हैं। बाय क्वाड्रेटिक आ रहा है। हाँ हाँ बाय क्वाड्रेटिक आ रहा है। हाँ सर ठीक है चलो देखते हैं। लेट्स सी। अब देखो सबसे पहले तो हम लोग को डायामीटर फाइंड करना है। तो हम लोग ने अपने डायामीटर को डी मान लिया। अब जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अगर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पे टॉलमी थ्योरम लगाना भी चाहता हूं तो मेरे को डायगोनल तो चाहिएंगे ए सी और बी डी। तो पहले हम लोग ने क्या किया कि AC और BD को ज्वाइन कर लिया। तो पहले देखो से AC को ज्वाइन किया तो ट्राइंगल ABC ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? डायमेट्रिक लाइन है। ठीक है अब ये वाली जो लेंथ है उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर मतलब रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस फोर लिख सकते हैं। समझे? सिमिलरली हम लोग को बीडी डायगोनल की भी जरूरत पड़ने वाली है टॉलमी थ्योरम अगर लगाते हैं तो बीडी में ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा ट्राइंगल ए बी डी। अब देखो ये डी है और ये 11 है तो ये क्या आ जाएगा ये हाइपोटेन्यूस है तो रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 121। ठीक है अब हम लोग एक साफ सुथरा डायग्राम बना लेते हैं। ए सर क्यूबिक मिल गया क्यूबिक मिल गया। सी डी देखो ए बी का लेंथ क्या है हमारा 11 है तो मार्कर चेंज ए बी का लेंथ 11 है बीसी का लेंथ 7 है सी डी का लेंथ 2 है और ए डी का लेंथ डी है। अच्छा ये ए सी और बी डी है जो मैं निकाल के रखा हूं यूज करेंगे अभी। अकॉर्डिंग टू टॉलमी थ्योरम अपने क्या लिखेंगे ए सी इंटू बी डी is equal to this into this 11 into 2 22 plus this into this 70। अच्छा AC into BD क्या होगा root of d square minus 121 into root of d square minus 4 is equal to 22 plus 70। अब इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि रूट खत्म हो जाए। तो अगर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारा बताओ जल्दी से डी रेस टू 4 माइनस 125 डी स्क्वायर प्लस 484। ठीक है और इधर क्या बन जाएगा हमारा 49 डी स्क्वायर प्लस 484 प्लस 2 ए बी। 14 इंटू 22 कितना होता है 22 इंटू 14 28
308 D. हाँ, कितनी बात क्लियर है सबको? तो 4 into 4 22 into 7 ना 280 होगा ना 2 into 22 into 7 समझे सर? हाँ, तो हम लोग अब इधर आ जाते हैं। तो अब देखो, हर जगह से एक डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा डी क्यूब माइनस 125 और 49 माइनस 174 डी माइनस 308 इज इक्वल टू जीरो। सर डी क्यूब कहाँ से आ गया? हाँ, डी क्यूब कहाँ से आ गया? डी क्यूब यहाँ से आ गया। देखो, यहाँ पे डी रेस टू फोर है, यहाँ पे डी स्क्वायर है, यहाँ पे डी स्क्वायर है, यहाँ पे डी है, तो हर जगह से डी कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ठीक है, 125 डी स्क्वायर कैसे आया? इनको मल्टीप्लाई किया ना, माइनस 120, इनको जब स्क्वायरिंग करके आपस में मल्टीप्लाई करोगे then you will be getting minus 125 d square. इनको स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर रूट वाला टर्म खत्म हो जाएगा, फिर इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो ये वाली की चीज बनेगी। फिर उसके बाद ऐसे देखो ना, ये ऐसा लिखा है ना, d raised to 4 minus, ये अगर इधर जाता तो 174 d square minus 308 d is equal to 0. अब डी अगर तुम कॉमन लेते और उधर भेज दिए होते तो डी क्यूब माइनस 174 डी माइनस 308 इज इक्वल टू जीरो। सर एक डाउट है। हाँ सर, आप जब भी क्वेश्चन बता रहे थे तो आपने उस टाइम कहा था कि डायमीटर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द हेक्सागन। हाँ सर, उसका मतलब क्या हुआ? मतलब इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। देखो ये गलत लिख दिया मैंने, इधर ऐसे होगा 2 7 11। खैर, मतलब देखो इस लाइन के अबाउट दोनों साइड सिमेट्रिकल है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग ये थे। अब ये थोड़ा जो क्यूबिक है वो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच के साथ फैक्टराइज होगा। ऐसे टाइप के क्यूबिक जो थोड़े बड़े क्यूबिक होते हैं, मतलब जो किसी बड़े नंबर से फैक्टराइज होते हैं, उसको हम लोग जब ओलंपियाड का क्लास पढ़ेंगे उसमें एक आता है रैशनल रूट थ्योरम। क्या आता है? रैशनल रूट थ्योरम। तो वहां से पढ़ेंगे, वहां से निकालना सीखेंगे। इसमें हम लोग एक काम जरूर कर सकते हैं कि जैसे इस ये क्यूबिक जो है डी में आया क्यूबिक, इसको मैं मिटा दूं क्या? यस सर। तो जैसे अगर तुम डी को 2r लिख लो, इफ यू पुट डी एस 2r, 2 times रेडियस, तो उससे एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा? देखो, रूट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 3ac/3a। नहीं नहीं नहीं, वो तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है ना, प्लस माइनस बी। नहीं नहीं सर, वो जो डिस्क्रिमिनेंट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, नहीं उसको 3ac से कर दो। नहीं नहीं, क्यूबिक के रूट का रूट निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, एक रूट तो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम d को 2r पुट कर दो तो यू विल गेट 8r क्यूब माइनस 174 इनटू 2r माइनस 308 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा? आई होप सही लिखा है वर्णन को। इसमें से जो है वो
4 कॉमन आ जाएगा, एक 2 इधर से कॉमन आएगा और एक 2 इधर से कॉमन आएगा, तो वो 2r क्यूब माइनस ये कितना बनेगा, 2 कॉमन आ गया तो 77r माइनस 77 इज इक्वल टू 0 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सर 87 87. अब जो हमारा रूट होगा ना, इस क्यूबिक का रूट जो होगा वो ये जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका ही कोई एक फैक्टर होता है, वही ये रैशनल रूट थ्योरम बताता है कि अगर हमारा कोई क्यूबिक है या कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसका कोई इंटीग्रल रूट है तो वो जो इंटीग्रल रूट होगा that will be nothing but factor of this this constant term. क्या वो तो 77 का जो factor है वो 7 और 11 होते हैं, prime number है वो. ठीक है, अब देखो जब मैं 7 put करता, अगर मैं r की value 7 put कर देता तो 2 into 7 का होल क्यूब कितना होता है, 343 माइनस 87 into 7, 87 into 7 कितना, साउंड बंद कर दो, 609. हाँ हो गया, ठीक है, r is equal to 7 इसको सेटिस्फाई कर गया. ठीक है, r is equal to 7 जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो r की वैल्यू 7 है ना, मतलब कौन है ठीक है उसे मैं बता दूंगा. सर वो डी क्यूब की वाला आपने वहां आर को क्या लिया है समझ में नहीं है सर, बार आप इसको समझा दो. डी को मैंने 2r लिया, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस. उससे फायदा क्या होता है मैं ये बता रहा हूँ. देखो डी को जब मैंने 2r लिया तो कांस्टेंट टर्म थोड़ा रिड्यूस हो गया, कांस्टेंट टर्म क्या हो गया हमारा 77 हो गया. 77 इस समय कांस्टेंट टर्म क्या था, 308 था डी वाले क्यूबिक में. तो कांस्टेंट टर्म जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे हम लोग करीब बढ़ते जाते हैं अपने आंसर की तरफ, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स होंगे उनमें से ही कोई एक फैक्टर रूट होगा, यही रैशनल रूट थ्योरम कहता है, जो अपने आरएमओ या पीआरएमओ ये सबके क्लास में पढ़ेंगे. तो आर की वैल्यू 7 हमने पुट करके देखी तो 7 जो है इसको सेटिस्फाई कर जा रहा था, लेकिन तुम समझो अगर r की वैल्यू 7 सेटिस्फाई करी तो यहाँ पे d की वैल्यू 14 सेटिस्फाई कर रही होगी. ठीक है, अच्छा d r is equal to 7 मतलब उसके लिए हम लोग को कम चेक करना पड़ा, लेकिन d is equal to 14 के लिए हम लोग को ज्यादा चेक करना पड़ता, और भी नंबर्स पुट कर करके देखने पड़ते, समझ में आ रही बात. सो कांस्टेंट टर्म कम किया, कांस्टेंट टर्म कम करने से r की वैल्यू 7 सेटिस्फाई कर गई. सर हमें इसमें ट्रायल एंड एरर करके ही देखना पड़ेगा. हाँ, क्यूबिक का एक रूट जो है वो ट्रायल एंड एरर से निकालना रहता है, और वो कौन कौन से नंबर तुमको प्लग करने हैं उसको पता करने के लिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना उसका प्राइम फैक्टर, उसके फैक्टर्स लिखो, जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स लिखो. ओके सर. अगर 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 कोई उसका उस क्यूबिक का इंटीग्रल रूट है, अगर कोई उस क्यूबिक का इंटीग्रल रूट है तो वो उन उन फैक्टर्स में से ही कोई एक होगा. ठीक है सर, अगर कभी सर अगर हमारा कांस्टेंट टर्म एक प्राइम नंबर होता है, क्या अगर कांस्टेंट टर्म एक प्राइम नंबर हुआ, प्राइम नंबर हुआ तो फिर वही जैसे मान लो कांस्टेंट हो गया तो तुम दो चीज चेक करोगे, 1 डाल के चेक करोगे या 3 डाल के चेक करोगे. अच्छा ठीक है.
चलो ओके इतनी बात क्लियर है. तो यहां से आर की वैल्यू 7 आ गई और आर की वैल्यू 7 आ गई मतलब डायमीटर क्या हो जाएगा 14. ये किसके किसका माइक ऑन है? डायमीटर विल बी 14. सबको समझ में आ गया? हाउ डिड यू गेट 77? 77 ऐसा है ना जैसे 4 हर जगह से कॉमन आ रहा है तो 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 2 आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 87 आ जाएगा, 87 आर, और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 77 आ जाएगा. So the diameter will be 14. Okay. So अब आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. कुछ questions मैं तुम लोग के group पे post करवा दूंगा, उसको try करना तुम लोग, geometry related questions. Okay. चलो कल जो है हम लोग वो करेंगे जो polynomial वो वाली sheet थी ना असाइनमेंट वाले उसके डाउट्स कंटिन्यू करेंगे. ठीक है चलो अभी तुम लोग का और क्लास है क्या इसके बाद? यस सर है. तो फिर मैं दूसरे बाय सर. थैंक यू सर. बाय. हाँ हेलो. हाँ सर. हाँ हाँ कौन है आज होस्ट? कौन कर रहा है आप लोग में से? नहीं हूँ. अच्छा मैंने आपको होस्ट बना दिया. हाँ, ठीक है.